अगर आज ये चूहे नहीं मरे तो मैं जरूर मर जाऊंगी बिना नींद के। बिल्ली मिली नहीं तो ये जहर भरी रोटी ही सही। को तो इतनी बड़ी हवेली के मालिक है, पर देखो यहाँ फ्रूट्स भी चुरा कर खाने पड़ते हैं। वैसे इतने गुस्से में होने के बाद भी उन्होंने मुझ पर सिर्फ आवाज उठाई, हाथ नहीं उठाया। उस दिन तो सीधे थप्पड़ लगा दिया था। शायद उन्हें इस बात का यकीन हो रहा है कि मैं ही बिट्टू की बेटी हूं, और इसीलिए उनके मन में मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर आ गया है। जब तक ये लड़की यहां है, तुम्हारा जिम्मा है कि इस पर कोई आंच ना आए। यस, आई एम श्योर ऐसा ही होगा। तभी तो उन्होंने उस रैम्बो सिंह को मेरा बॉडीगार्ड बनाया हुआ है ताकि मैं सेफ रहूं। नॉट बैड मीरा, तुम धीरे धीरे अपने मिशन में सक्सेसफुल हो रही हो। और इस बात का सबूत मुझे उनके कमरे में लगी बिट्टू की तस्वीर देगी। लेट्स गो। भगवान जी, अगर बिट्टू की तस्वीर पे हार नहीं चढ़ा होगा तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। बिट्टू, ये कैसे इंसान से शादी की थी यार आपने, जिसके पास कोई दिल ही नहीं। Anyway, मेरी बिट्टू जिंदा है और मैं उनके तस्वीर पर कोई हार बार नहीं चढ़ने दूंगी। प्रॉब्लम का कोई ना कोई परमानेंट सलूशन निकालना ही होगा। Love you so much, Bittu. And iske liye, I'm sorry. ये कैसा आवाज है? तो देवर जी का कमरा से आया है। राखी की फोटो ना चढ़ी का हार। आओ। तस्वीर के हाथ पांव आ गए का तो अपने आप गिर गई। कहीं वो सहरी नागिन यहां तो नहीं आई? जरूर कहीं कुंडली मार कर बैठी होगी। अब भी देखते हैं।
परेशान लग रही हैं। किसी को ढूंढ रही थी? तुझे। खाना परोसने का समय हो गया है। सावधान करने आई थी कि देवर जी के सामने मत आना, समझी? साबुन? नहीं 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 जी। आइए देवर जी। ए लाखन, बैठते क्यों नहीं हो? माफी मांगना चाहता है आपसे। पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है बेचारा। कितने घंटों हमरे सामने रोए हम ही जानते हैं। हमसे कहने लगा, भाभी हम जब भी भैया के सामने कोई काम करने जाते हैं पता नहीं काहे सब उलट पुलट हो जाता है। तो हमने कहा तो क्या हुआ, अगर भूल हुई है तो माफी मांग लो बस। खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो, माफी मांगो भैया से। माफ कर दो हमें। वो कहा है कि अब किसके सामने कब कहां कैसन बोलना है, ये बात की समझ अगर हमको होती तो अब एमएलए साहब की पार्टी में ना होते हम। बैठ जाओ। बस माफी मिल गई ना, अब दोनों जन अपने मन से सब बोझ निकाल दो। ए लड़की, तब से वहां खड़ी खड़ी का कर रही है तू? सारी सफाई उधर की करेगी, बैठक की नहीं करेगी का? अगर थक गई हो तो अपनी बहरूपनी माँ को बुला लो तोरी मदद करने के लिए। चल जा अब। लो हम बोले जा तो चल गई। अरे पहले यहां की सफाई तो पूरी कर। अच्छा देवर जी, आपके कमरे में जो देवरानी जी की फोटो टंगी थी वो फिर से गिर के टूट गई। हमारे पास बस वही एक तस्वीर थी। रिश्तों की तरह अब वो भी टूट गई। इसे उठवा दीजिएगा वहां से। वैसे भी अतीत को दीवारों पर सजाने की क्या जरूरत? कैसी बातें कर रहे हैं देवर जी? आपने वो बात नहीं सुनी का, जब आत्मा की कोई इच्छा पूरी नहीं हो पाती है तो वो किसी ना किसी तरह से इशारा करके अपनी वो बात मनवा ही लेती है। क्या मतलब? देखिए उस दिन हम लोग श्राद्ध की बात कर रहे थे लेकिन बात अधूरी रह गई, उस छोकरी ने टांग अड़ाई, इसलिए उसके बाद से ना श्राद्ध की बात हुई ना उसकी कोई तैयारी हुई। हमको तो लगता है देवरानी जी की फोटो बार बार जो गिर रही है वो कोई इशारा है। आ, 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 आ,
अरे भौजी कहा आप भी डरा रही हो ये आत्मा और भूत भूत की बातें करके आप भी हैं। अरे वो जो श्राद्ध वादे को करके निपटा दो ना मामला। कहा ना कि आत्मा को तड़पाना अच्छी बात नहीं है, है ना भैया? फिर से श्राद्ध और बरसी की बात। आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? जीते जी बिट्टू की बरसी और श्राद्ध होगी, और ये मिस्टर रामधारी सिंह, ये कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए देवर जी, आप माने या ना माने, लेकिन हमको मालूम है जो हमारे मन में है वही बात आपके मन में भी है। अब आत्मा की शांति तो करनी है ना। 20 साल हो गए हैं इतनी बड़ी दुर्घटना को। हम तो कहते हैं बहुत धूमधाम से श्राद्ध और पूजा कीजिए, और इस सारे तामझाम की जिम्मेदारी उसको दीजिए जो बहुत ही जिम्मेदार हो। एक ऐसा आदमी जिस पर आपको भरोसा भी हो और लगाव भी हो, और इतनी जिम्मेदारी लेने वाला आदमी दिमाग से भी मजबूत होना चाहिए और शरीर से भी। और हमको लगता है इतनी जिम्मेदारी का काम केवल एक ही आदमी कर सकता है, और वो है पृथ्वी। और उनके जीते जी मैं ये बरसी और श्राद्ध पूजा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, भले ही मुझे इसके लिए भगवान का सामना क्यों ना करना पड़े। सूरज से ज्यादा देर नजर मिलाई तो अंधे होने का खतरा होता है। ये देखो, अभी नाम लिया अभी हाजिर, पृथ्वी आ गया। अरे रुक रुक, तनिक हुआ ही रुक। देख रहे हो ना, दाता ठाकुर खाना खा रहे हैं। देवर जी रोटी लीजिए ना, हमारे देवर जी की तो मानो भूख ही मर गई है। नहीं बस हो गया। सुनो, तुमको खाना खाना है तो अपना थाल ले आओ, हम परोस देते हैं। नहीं बड़ी मालकिन, हम बस दाता को आज के भवन निर्माण का ब्यौरा देने हैं। वैसे तू आया बहुत सही समय पर है, तेरे दादा तेरे ही बारे में बात कर रहे थे। एक बहुत ही जिम्मेदारी का काम देना है तुझे। कहा है कि दादा अपनी मरी हुई पत्नी और बिटिया का श्राद्ध करना है, और श्राद्ध बहुत धूमधाम से होना चाहिए। अब 20 साल पहले तुम्हारे साथ जो रिश्ता जुड़ा है, भाभी कहने जा रहे थे
कि तुमको तो देवर जी इतना प्यार करते हैं जैसे तुम घर वाले ही हो, इसलिए कह रहे हैं हम सबकी लाश तुम्हारे हाथ में है। श्राद्ध का प्रबंध बिल्कुल ऐसे करना कि आने वाली 7 पुश्ते भी याद रखें। जी बड़ी मालिक। पृथ्वी, स्कूली बच्चों के लिए धान के 2 ट्रक आज शाम पंचायत भवन के गोदाम से निकलेंगे, तुम जाकर के देख लो। लाखन, तुम भी साथ में चले जाओ। भाभी, आपसे जरा काम है, जब फारिग हो जाए तो आइएगा। हाँ हाँ, हो गया, आते हैं हम। देवर जी, क्या बात है देवर जी? यही तो हम जानना चाहते हैं भाभी, क्या बात है? हम समझे नहीं देवर जी। अभी जो आप नीचे कह रही थी, मतलब क्या है उसका? भाभी, अगर हम आपको टोकते नहीं ना, तो आप तो सब कुछ कह डालती। 20 साल पुरानी वो बात जो हमने अभी तक छुपा रखी है। अभी देखिए, अगर उस लड़की मीरा को लेकर आपके मन में कोई संदेह है तो हमें साफ साफ बताइए। देवर जी, आपको ऐसा काहे लग रहा है कि हम आप पर संदेह कर रहे हैं या आपको ताना मारने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर वो लड़की हमारी मीरा तो है नहीं, सही ना? वो बात छोड़िए, हम पृथ्वी वाली बात कर रहे हैं। पृथ्वी हमारा अपना है, हमारी पत्नी और हमारी बेटी की तरह हमारा अपना है। 20 साल से हमसे उसका रिश्ता है, आखिर करना क्या चाह रही थी आप? 20 साल पुरानी बात को निकालकर क्या मिलता आपको? वो तो गलती से हमरे मुंह से निकल गया था देवर जी। श्राद्ध की चर्चा हो रही थी तो पुरानी बातें हमरे दिमाग में आ गई, का करें? भाभी, 20 साल पुरानी वो घटना पृथ्वी को याद नहीं। 20 साल पहले ऐसा क्या हुआ था अब जिसमें ये पृथ्वी का नाम भी जुड़ा हुआ है? ओ गॉड, मैं जितना समझने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही उलझती जा रही हूँ इस 20 साल की पहेली में।